अली, पहले तो आप अपना आइडिया बताइए कि क्या आपके जहन में है। प्लीज गो अहेड। मेरे जहन में, मैं शुरू मतलब शुरू से बताता हूँ कि मेरे जहन में एक आइडिया ऐसा है कि क्योंकि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये आइडिया है कि मेरे जो दोस्त अराउंड, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं और जो बाकी मुझे मिलते हैं फेसबुक पे या कहीं भी, उनको मैं देखता हूँ कि इनके पास कोई स्किल तो होती है तो वो कमा नहीं पा रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी के पास स्किल भी नहीं होती है और वो चाहते हैं सीखना। कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोर्सेस किए हुए हैं कंप्यूटर्स के और वो नहीं कमा पा रहे हैं, और जो ऐसे हैं कि जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं कुछ लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ऑनलाइन तो काम फिर नहीं मैंने कर पा सोचा रहे। हाँ ऑनलाइन काम करना, और वो जॉब की तलाश में है, कोई जॉब भी नहीं उनको मिल रही है, कोई स्किल भी उनके पास नहीं है, ना वो सीख रहे हैं, और कोई सीखना चाहता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, यहाँ की फीस ज़्यादा है, 10,000 कोर्स लेते हैं, कहीं पर 20,000 है और इस तरीके से। तो मैंने सोचा था कि एक ऐसी जगह मैं करूँ जहाँ पर लोग आकर सीख सकें। जैसे मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त है, उसने कहा था कि वो सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो भी कोई चीज़ फ्री में सीख ले वहाँ से तो वो भी फ्री में सिखा देंगे, उसने ये कहा था। तो मैंने सोचा था जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आकर फ्री में सीख लें, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर कोई फ्री में सीखता है तो हमें दोबारा पे बैक इस तरीके से कर सकता है, या तो वहाँ पर वो टीचर है, या फिर जो जो ऑनलाइन अगर अर्निंग होती है तो अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए हमारी मदद कर सकता है। और जो सीखने का ये है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमें चाहे कोर्स हमारे मतलब जिस तरीके से इनरोल होते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल कोचिंग हैं, लेकिन दूसरों के मुताबिक हमारी फीस कम होगी, तो कोर्सेज हम वो कराएंगे जो मार्केट में वाकई में जो चीज़ें सीखी जाती हैं और जो मार्केट में चल रही अप्लीकेबल है, जिसके जरिए वाकई में कमा सकते हैं, वो चीज़ें आकर आए हमारे पास सीखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होगी कि अपने जो पैशन के मुताबिक काम करें, ऐसा नहीं कि किसी को ग्राफिक्स डिजाइनिंग का शौक है और वो बैठ कर मुझसे प्रोग्रामिंग सीख रहा है या ऐसी चीज़ कर रहा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और मेरा सिखाना बेकार, मेरा टाइम बेकार, और उसने कोई चीज़ काम किया ही नहीं उसने, और सीख कर बस वो घर चला गया और अपने खाए जैसे रूटीन के मुताबिक थी उसने वो शुरू कर दी। क्योंकि 9-10 में अक्सर ऐसा होता है लोग यहाँ से 9-10 के बाद कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, लोग शौक तो रखते हैं बच्चे 9-10 के पेपर्स के बाद, लेकिन जब वो सीख लेते हैं उसके बाद वो 1-2 साल इंटर के बाद मेरे ख्याल से भूल जाते हैं, ना कोई काम करते हैं, एमएस ऑफिस का तो उनको आता नहीं है, यहाँ ला के ऐसा है कि अगर एमएस ऑफिस पर अगर सही से उन्हें यूज करना आता हो तो इसके जरिए कुछ भी काम कर सकते हैं, एक्सेल के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा मेंटेन कर सकते हैं, इस पर ऑनलाइन काम कर सकते हैं, इस पर भी आगे एक्सेल में प्रोग्रामिंग होती है वो भी कर सकते हैं। सही है। मेरा मशवरा इसमें यह होगा कि आप इसको चैनक से शुरू कर लें, और जब आपका ये एक्सपैंड कर जाए तो आप इसको दूसरी जगह ले जाएं। मैं आपको वहाँ पे 4-5 कंप्यूटर्स और जगह अरेंज कर देता हूँ, और आप अगर डेली क्लास लेना चाहें, मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो लोग जो सीखना चाहेंगे उनको आप सिखाएं। दूसरा मेरा मशवरा ये होगा कि जो भी आपके साथ इनरोल करता है आप उसे 1,000 रुपये चार्ज करें, और 9,000 रुपये वो आपको कमा के देगा। जब आपसे वो सीख जाए, जब आपसे उसको चलाना आ जाए, जब वो पैसे कमाने लगे, उसको पैसे मिल जाएं, तब वो आपको 9,000 रुपये रिटर्न करते हैं। लोग हमारे इन जनरल ऑनेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, और भाग भी जाएंगे तो अल्लाह मियाँ के पास जाके वसूल कर लेंगे। तो मेरा ये मशवरा बिल्कुल है सर, कि मैंने फ्री में इनरोल ना करें, बल्कि 1,000 रुपये लेके इनरोलमेंट कर दें, क्योंकि चैनक का भी खर्चा आएगा, और हम आपके साथ इसको स्प्लिट कर लेंगे। और जैसे और चैनक आपके लिए अकाउंटिंग कर देगी, जगह प्रोवाइड कर देगी, बिजली प्रोवाइड कर देगी, मार्केटिंग कर देगी। और बिलाल सिद्दीकी अब वहाँ पे आ गए हैं नए CEO, आप उनसे मिल लें और इसको शुरू कर लें। मैं तो कहूँगा कि आप मंडे से शुरू कर दें इस काम को, एंड इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मुझसे कोई सवाल जवाब है तो आप ज़रूर क्लेरिफाई कर लें। जी बिल्कुल सर, मैं तो चाहता हूँ कि इतनी जल्दी शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पेपर्स से फारिग हो गया हूँ और अभी ऐसा कोई काम नहीं है, तो मंडे से कल मैं आ सकता हूँ, कल मंडे है, कल मैं विजिट कर लेता हूँ चैनल, दोबारा आ जाता हूँ। आप आके और ब्रोशर्स डिज़ाइन कर लें बिलाल के साथ आप, और इसको मैं मार्केट करना शुरू कर देता हूँ। जगह वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है, टेबल्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल मैं कर दूंगा आपके लिए। 5 लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं अगर चाहिए तो। और वहाँ पे मैं दूसरा ये भी कर सकता हूँ कि जो लोग आपसे सीखते चले जाएं वो किस्तों में लैपटॉप भी ले सकेंगे, तो हम ये भी अरेंज कर देंगे कि बच्चे आएं और लैपटॉप किस्तों में लेते हुए चले जाएं। और वैसे भी मैं फ्री लैपटॉप देता हूँ, आपको मालूम ही है कि अगर जो बच्चे जी आते सर हैं बिल्कुल, अगर वो अच्छा सीख रहे परफॉर्म हैं, जो करते हैं।
हाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशलाइजिंग कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे मतलब के सीख रहे हैं अच्छा यहाँ पर आकर, और हमारे मुताबिक काम भी कर रहे हैं जैसा हमने सिखाया वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको गिफ्ट मिलना चाहिए। राइट तो अगर वो सीख जाते हैं और परफॉर्म करते हैं तो वो जो पैसे देंगे इंशाल्लाह ताला वो अगले बच्चे के इस्तेमाल में आ जाएंगे। एंड जैसे आप पता नहीं आप सिद्दीक भाई को फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद जी जी सिद्दीक को या सर, नहीं कर रहे जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका पहचान तरीका लिया। बहुत अच्छा है, अगर आप उसी को फॉलो करें तो वो भी यही कर रहे हैं कि फ्री में सिखा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि उसके अंदर $100 दिए थे हाँ एंट्री का प्रोसेस है और जब आप सीख लें तो आप $100 दे दें। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि आप लेकिन वो जगह प्रोवाइड नहीं कर रहे, कंप्यूटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, मैं आपको ये जगह ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप आएँ हमारी जगह को इस्तेमाल करें, लैपटॉप्स ले लें, चीज़ें ले लें, और कोई फैसिलिटी चाहिए आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लें कि भाई रेहान भाई ये मसला है एंड लेट्स फिक्स इट। ठीक है सर। और सर ये बताएं कि वहाँ पर मतलब के जगह के हवाले से नाम मतलब हम कोई ऐसा रखेंगे, यानी कि मार्केटिंग के हवाले से जो लोगों को अट्रैक्ट करे, कुछ होता है ना जैसे कि नाम मतलब के ब्रांड की पहचान जैसे हो जाती है तो लोग नाम सुनकर ही आ जाते हैं, तो फिलहाल नाम मेरा आपको सेंड मशवरा करिए। यही है कि आप मेरे ब्रांड को इस्तेमाल कर लें, हमने जो बिल्डअप किया उसको इस्तेमाल कर लें, और मैं एज ए अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ब्रोशर बना के जब हम कल शेयर करेंगे, आप तो खुद डिज़ाइनर हैं, आप ब्रोशर्स डिफाइंड इमेजेस बना दें, मैं शेयर कर दूंगा, आपको बैठे बैठे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बेताब हैं लोग सीखने के लिए यही मैं एंड भी देखता हूँ। और लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा, हम लोग अपाहज हैं, अपने आप को समझते हैं कि हाथ पकड़े बगैर नहीं चल सकते, और होता भी है हम लोग कमज़ोर होते हैं, तो आप हाथ पकड़ लेंगे, हम जगह दे देंगे एंड स्टार्ट कर लें। जब इसको अगर आपको ये लगे कि ज़्यादातर लोग जो साइन अप कर रहे हैं वो डिफरेंट एरिया के हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपके इलाके के आएंगे, लोग आएंगे हैदराबाद से भी आएंगे, आप कहेंगे जी मुझे हैदराबाद में भी खोलना है, आप कहेंगे जी दादू में भी खोलना है, आप कहेंगे जी मुझे क्वेटा में भी खोलना है, तो शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा ना। जब भी शुरू कर लेंगे, शुरू 1 साल हो गया आपको सोचते हुए, इसको शुरू कर लीजिए और शुरू करके जैसे जैसे इसको बेहतर करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही ग्रो होता चला जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अभी अपना इंस्टीट्यूट बंद किया है, वो भी अवेलेबल है भादराबाद में अवेलेबल है, बट अगेन कस्टमर तो आए पहले, लोग तो आ जाएं। अगर आपके पास कह जी मेरे पास 100 आदमी आ गए हैं एकदम से मैं क्या करूं, आई वुड सजेस्ट कि आप साइन अप फॉर्म बनाए गूगल पे, गूगल डॉक्स पे ठीक है बना आप लूंगा। सिद्दीक भाई का फॉर्म देखें किस तरह से उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है कि अंदर आने के लिए फिल्टर लगाएं उसके अंदर, क्योंकि वरना फिर आपके पास बहुत लोग आ जाएंगे। सिद्दीक भाई के हिसाब से 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो इतने लोग अगर आपके पास आ भी गए तो आप संभाल नहीं सकेंगे, तो ट्राई टू डू इट ऑनलाइन, बट फिजिकल स्पेस के अंदर आप कोशिश यही करें कि फिल्टर लगाएं, जाके जितने ज़्यादा फिल्टर लगाएंगे अंदर साफ सुथरे वाकई काम करने वाले जो मोटिवेटेड होंगे वो आएंगे, नहीं तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं सिखा सकते। कहते तो सब हैं कि जी हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, सुबह से शाम तक 25 मैसेज आते हैं मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन जब आप तक काम करने को कोई तैयार नहीं होता। सही कह रहे सर। अभी आपने आपकी अभी मैंने आपकी पोस्ट देखी थी वही वाली कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इसी हवाले से फिर मैंने सोचा मेरे जहन में एक बात है, तो मेरी तो बात आपसे हो चुकी इस हवाले से, मैंने सोचा कि कैसे कह रहे हैं कि लोग जवाब नहीं देते हैं, जवाब मिलता है अगर आपके पास वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो बात करने के लिए डिस्कस करने के लिए। और ये भी आपने सही कहा कि सिद्दीक भाई का जो उन्होंने किया है फॉर्म में कि फेसबुक की आईडी और ट्विटर की आईडी और इस तरीके से जो उन्होंने लिमिट्स लगाई है, क्या अपनी आईडी बनाए, लिंक्डइन की शेयर करें, यूजर नेम पोस्ट करें, ये सब। मेरे जाने भी इससे हवाले से एक बात थी कि जो लोग एडमिशन लेने आते हैं उनका मैं एक तरीके से ये करूँगा, उनका इंटरव्यू लूँ पहले, जैसे कि अगर कोई दूर है तो उसका स्काइप पे कर लूँ, हाँ और अली या फिर अगर कोई पास आप वहाँ पर आता है। अपने सफेद सिद्दीक भाई के बाल सफेद उन्होंने घूम फिर के नहीं किया ना, कुछ सीख के किए ये हैं। बात 40,000 लोगों का आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, आप अगर बहुत इंटरव्यू कर लेंगे आप 50 इंटरव्यू करके आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार मैं कहाँ फंस गया, ये इतने सारे लोग ऐसे ऐसे अहमकाना लोग सवाल करेंगे आपसे आके कि आप परेशान हो जाएंगे। देखें आपके पास अल्लाह मियाँ ने जिंदगी लिमिटेड दी है, अब आपने सिद्दीक भाई ने के काम को हम फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक पायनियर कर लिया, वो 6 महीने से एक काम कर रहे हैं, उन्होंने एक तरीका बनाया, प्रोसीजर बनाया, उसमें से फिल्टर बनाए, अब उनमें से जो बच्चे रिजेक्ट होंगे वो कुछ और उसको देख के और लोग भी शुरू करेंगे ना। 1 मिलियन का टारगेट उनके पास है, उन्होंने अपना गोल क्या बनाया, उन्होंने कहा जी मैं 1 मिलियन को सिखाना चाहता हूँ, अगर 1 मिलियन को सिखाने के लिए ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो आप इंटरव्यू करें, 1 मिलियन लोगों का इंटरव्यू कैसे करेंगे, कितने आदमी चाहिए 1 मिलियन लोगों को इंटरव्यू करने के लिए, सही
तो अगेन अगर जब आप स्केल में सोचते हैं, स्केल में सोचें, लार्ज क्वांटिटी में सोचें, आप ये सोचें कि जी मैं, आप सबसे पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको यूडेमी पे जाके कोर्स बनाना चाहिए, उस्तानी पे कोर्स बनाना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे लोग ज़्यादा सीखना शुरू कर जाएंगे। मेरी किताब अधूरी पड़ी हुई है जो मैं इसको ऑनलाइन वर्किंग की, यू नो, डेढ़ डेढ़ साल से मैं लोगों से कह रहा हूँ किताब, तो मैंने आखिर में तंग आकर मैं लिख देता हूँ यार, कि अरे कोई किताबचा हो जाए, लोगों को एक हाथ एक स्टेप चाहिए। वो किताब भी मैं दे दूंगा ना तो भी नहीं करेंगे, लेकिन 10% लोग कर लेंगे। आप सबको नहीं कैटर कर सकते, 90% लोग काम नहीं करते, सिर्फ 10% लोग काम करते हैं। 10% बातें करते हैं सारे 100%, लड़ाइयाँ करते हैं 90%, काम करते हैं सिर्फ 10%। ये तो लोग अगर हाल तो आपको अगर मैं पोस्ट भी लगाऊंगा ना तो, और वहां पे लिखेंगे हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, 1,000 रुपए में मैं सीखूंगा, 25 गालियां आएंगी उसमें, ओ रेहान भाई एक और जूते बनाने आ गए, ओ अली को देखो ये कर दिया, ओ मैं जाऊंगा मुझे कुछ नहीं, मेरे पैसे खा जाएंगे, ये सब बातें करेंगे, लेकिन उसमें से 10% लोग आपके साथ आएंगे और 10% लोग सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। उनको देख के मजीद 10% आएंगे, उनको देख के मजीद 20% आएंगे, उनको देख के 40% आएंगे, और सारा का सारा हो जाएगा। दैट्स हाउ लाइफ वर्क। आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपने अगर फ्री में भी आप दे देंगे ना, लोग आपको फ्री, मैं तो फिर आपको लोगों फ्री की में बातें नहीं लैपटॉप दे सुनते। रहा हूँ यार, मैं किसी से पैसे तो नहीं मांग रहा, फिर भी गाली पड़ती है ना, तो गाली तो हर सूरत में आपको आनी आनी है। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप उनको शहनशाह बना देंगे, वो तो फिर भी गाली बना देगा आपको, छोड़ दें, वो ये वही बात है लोगों जो को कैन छोड़ नॉट दें। प्लीज एवरी। देखें अली, वही कोटेशन याद आती है। गाली देने की कोई बुरी बात नहीं है, गाली वो इसलिए दे रहा है, बेचारे ने जिंदगी में कभी ऐसी कोई चीज होती भी नहीं देखी, वो यही समझेगा कि ना वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों को इल्तमास कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, देखो यार ये तुम्हारा नुकसान कर देगा, वो गलत नहीं होता वो, लेकिन उसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो आप पे बिलीव करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनको देख के 10% और लोग आ जाएंगे, उनको देख के 20% और लोग आ जाएंगे। ये एक दुनिया का कानून है, कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि, अरस्तु बेचारे ने भी जहर पिया ना आखिर में, अफलातून ने भी जहर, पता नहीं कौन सा था, अरस्तु ने या अफलातून, दोनों में से एक ने जहर पिया आखिर में। तो ऐसा नहीं होता, जब भी कभी आप नई चीज लेकर आते हैं ऐसा ही होता है, आप परेशान ना हो। मेरा मशवरा यह है कि एक्शन लेते हुए वेट ना करें, जगह मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, इलम मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और शुरू कर दें, कल से आप अनाउंस कर दें क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, एक इमेज ही तो बनाना है, नहीं आएगा कोई तो तुम दोबारा शुरू कर देना उसको, उसमें कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, 20-30% तो सीख जाओगे। सही है सर, मैं फॉर्म भी बना दूंगा और एक पोस्टर मतलब फ्लायर भी बना के इसके आपको सेंड कर दूंगा और फॉर्म का लिंक बिल्कुल, आप डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन कर लें और उनको, मेरा अगेन मशवरा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन भी लगा दें और फिजिकली भी लगा दें। कुछ लोग ऑनलाइन सीखने में खुशी से कर लेते हैं, अब एक आदमी चीचा वतनी से आपको मैसेज करेगा आप उसको क्या कर सकते हैं, एक आदमी आपको केनिया से मैसेज करेगा आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दें, ऑनलाइन यूडीमी पे लगा के लगा दें, किताबचा लिख लें, कोर्स बना लें, और लोग और आएंगे आपसे कहें ये फ्री कोर्स है, जाओ तुम भी पढ़ाओ, तुम भी पढ़ाओ, तुम भी पढ़ाओ। अली दादू वाले को कहें तू दादू में पढ़ा भाई, बाबर को कहें तुम हैदराबाद में पढ़ाओ, जिया को कहें आप क्वेटा में पढ़ाओ, सब पढ़ाएं। थोड़े टाइम पढ़ाएं। और मैंने सर ये भी सोचा था कि जब फिजिकली भी अगर किसी को पढ़ाया जाए या सिखाया जाए मतलब प्रोजेक्टर के बेस पे किसी भी चीज पर तरह से, तो वो वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली जाए और उन वीडियोस को भी मतलब ऐसे ही शेयर कर दिया जाए पब्लिकली देखने के लिए, ताकि कोई भी सीखना चाहे तो ऐसे ही सीख सके। बिल्कुल, लेकिन जिसने सीखना है बेटा वो यूट्यूब पे जाके आज भी सीख सकता है, किसी ने रोका तो है नहीं, सब कुछ मौजूद है वहाँ, तब भी लोग नहीं सीखते हैं। करने वाला मैंने जब से देखे, करने वाले नहीं है। यूट्यूब ऑन भी हो गया सर, हाँ तो यूट्यूब ओपन भी है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी खत्म नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, हिम्मत नहीं हो, तुम अपना हिस्से का काम करते जाओ, उनको अपने हिस्से का काम करना। तो कल फिर आ रहे हो तुम बिलाल के पास? जी सर, कल आ रहा हूँ सर। और सर आपसे सर मुलाकात कब होगी, अब तक आपसे फिजिकली मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने ये छू लिया, लो मुझे छू लो तुम हाथ से। चलिए कराची से, ठीक है, कल मैं बिलाल भाई से बात कर लेता हूँ, उनके साथ देखता हूँ, कोर्स भी डिजाइन कर लेता हूँ और फ्लायर वगैरह तो मैं आज कर देती हूँ। सही।
एक रोबोट डिजाइन कर लो कि वो रोबोट की शक्ल चेंज हो जाया करे और फिर हम उसको हग कर लिया करें, और उसमें वर्चुअली सर साइन स्काइप कर स्काइप की जगह देते वीडियो की जगह हम इमेजिन कर रहे हो, हम देख रहे हो एक दूसरे को, टच भी कर रहे हो, कितना आसान हो जाएगा ना। आने वाले वक्त में सर क्या कह सकते हैं, कोई चीज चेंज हो सकती है। अब जब होलोस्कोप, क्या कहते हैं उसको, होलोस्कोप के जरिए, होलोग्राम के जरिए जब लोगों को सामने बैठा सकते हैं वर्चुअली तौर पर, मैं तो कह रहा हूँ अब तो नहीं कर फिजिकली बना सकते। लो ना, रोबोट्स बना लो कि भाई वो नैनो नैनो बॉट्स को यूज करते हुए एक शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसके बाद फिर तुम फिजिकली भी अवेलेबल हो जाए, सेट बटन कर दबाएंगे चुप, कॉपी वहां पे, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो वहां कर रहा हूँ। अपने को छोटा सा कर यहाँ से सेंड कर देना चाहिए, वहां से रिसीवर कर ले मैं भी हाँ वो भी फिर पॉसिबल आकर है, नायग्रा फॉल देखूं। बिल्कुल सही, ठीक तुम भी देखो। ठीक है अली, खुश रहो बेटा, और फिर कल आके इसको इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। सुनने वालों से गुजारिश है जो भी 100 लोग सुन रहे हो, और मैं एक और वीडियो भी बना लेते हैं कि आके अली जो है ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं और उसकी प्राइस है, और आए और सीख लें, ठीक है ना।